सुपर मार्केट गए थे तो एक लेडी हमसे कुछ बोलने लगी कि मैं जेल से आई हूँ बाहर और मुझे कुछ पैसे चाहिए। अल्लाह मेश अमीगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखी थी पोर्टो की टूरिस्टिक अट्रैक्शंस और इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम हिडन प्लेसेस ऑफ पोर्टो और कुछ ऐसी जगह जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखी थी। तो लेट्स गो। तो मेरे पीछे ये है टियात्रो नेशनल सान जुआओ जो बनाया था इटालियन आर्किटेक्चर ने और इसका नाम दिया है पोर्चुगल के किंग सान जुआओ के नाम पर। और यहाँ पर है डॉम पेड्रो का स्टैचू और ये स्क्वायर का नाम है प्रासा द बतालिया क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में युद्ध हुआ था इसलिए इसका नाम प्रासाद बतालिया है। तो हम हैं यहाँ पर पोर्टो के एक और खूबसूरत कैथेड्रल के पास में जिसका नाम है सेदू पोर्टो और ये रोमन कैथोलिक चर्च है। देखिए कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर भी ब्लू टाइल्स लगी हुई है। तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था इस साइड पे मेरे पोर्टो है और लुइस ब्रिज को अगर क्रॉस करते हैं तो ये साइड पे आ जाता है गाइया विला नोवा द गाइया जिसे कहते हैं और शुरू करते हैं हम अपना सैर यहाँ से गाइया का। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये गार्डन जिसका नाम है जार्डिन दू मोरू। मोरू का मतलब होता है हिल पहाड़ और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम पहाड़ पे ही बना हुआ है तो जस्टिफाई करता है अपना नाम। तो यहाँ कलरफुल से अक्षरों में लिखा है गाइया और इसके पास में यहाँ पे है ट्रेन स्टेशन और वहाँ ऊपर है मोंस्टेरो दो सेरा दो पिलार। अब हम लोग देखते हैं आगे कि गाइया में क्या है देखने के लिए और कौन से हिडन प्लेसेस हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे। तो वामुशला। तो ये साइड पे है गाइया और ये साइड पे है पोर्टो। तो ये
ये है मेरे पीछे मोनेस्ट्री जो कि 16 सेंचुरी में बनाई थी। और आपने देखा वो पुल ब्रिज जो इतना है वो इतना हाई है, इतना ऊपर है, उसके बाद में ये मोनेस्ट्री और ज़्यादा ऊपर है। इमेजिन, थक गए यार चढ़ के। यहाँ मोनेस्ट्री पे तोप भी रखी हुई है, एक दो शायद और भी होगी। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आज, ना तो धूप है और ना ही ठंड है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी यहाँ पर नज़ारे देख करके। कूल, चलो हम लोग अपनी जर्नी जारी रखते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव पे। यहाँ देखो इतनी खुली खुली जगह है बच्चों के साइकिलिंग करने के लिए, स्केटिंग करने के लिए। सच में इतना इतना स्पेस दिया हुआ है। पोर्टो में हमारा काज़ा द मुज़िका के पास में है और यहाँ पर ये है कामरा मुंसिपाल के पास में, टाउन हॉल के पास में। तो हम लोग अभी टाउन हॉल देख लेते हैं जा कर के। यहाँ का अलग है, पोर्टो का अलग है। ऑल्दो ये पोर्टो डिस्ट्रिक्ट में ही आता है लेकिन फिर भी ये टाउन हॉल है, वो पोर्टो का सिटी हॉल हमने देखा था। लेट्स गो वामशला। दो चार दिन पहले क्या हुआ था, मैं और फुआन हम लोग सुपरमार्केट गए थे और वहाँ से बाहर आ रहे थे तो एक लेडी हमसे कुछ बोलने लगी कि मैं जेल से आई हूँ बाहर और मुझे कुछ पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो सबसे पहले ना उसने हमसे पूछा कि हमें पोर्चुगीज समझ में आती है, तो मैं इतनी बुद्धू मैंने बोला हाँ, और वो हुआन इतनी स्मार्ट है उसने बोला नहीं आती है। और बाद में मुझे लगा कि यार शिट, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे पोर्चुगीज आती है। अगर मैं उसे बोलती कि मुझे नहीं आती है तो बात ही ख़त्म हो जाती, शायद वो कुछ बोलती नहीं। बट लेकिन उसने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया हमें, और फिर हमने ऐसे किया कि हमें कुछ खास समझ नहीं आ रही है उसकी बात, और हम लोग वहाँ से आ गए। लेकिन बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो बाद में हमने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे अब, जब भी कोई हमसे कुछ पूछेगा कि हमें पोर्चुगीज आती है तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, हमें ना पोर्चुगीज आती है ना इंग्लिश आती है। वो कह सकती है मुझे चाइनीज़ आती है, और मैं कहूँगी मुझे हिंदी आती है बस। यही तरीका है यार बचने के लिए। तो हम लोग टाउन हॉल के पास पहुंच गए, वो देख लेते हैं पहले। जी कामरा गाइया, कामरा म्युनिसिपल टाउन हॉल। ये मेरे पीछे है म्यूज़ियम अंतोनियो तेशेरा लोपेस का, जो कि एक फेमस मूर्तिकार थे, पोर्चुगीज़ मूर्तिकार। और ये है बिल्डिंग। गर्ल्स के लिए एडवाइस है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं पोर्टो में, पोर्चुगल में, तो प्लीज़ हील मत पहनना क्योंकि बहुत बुरी हालत हो जाएगी पैरों की, सच बता रही हूँ। शूज़ पहना एकदम कंफर्टेबल और बस। इन लोगों की विंडो देखो, शटर जैसी।
किधर आ गई मैं। यार ये देखिए स्ट्रीट आर्ट हाफ रैबिट, और ये आर्ट जिसने भी बनाई है उसने हाफ तो इसको कलर कर दिया है और हाफ उसको ऐसे ही रहने दिया है, वो इसलिए क्योंकि उसने ये पूरी आर्ट बनाई है ट्रैश से, कूड़े से, कचरे से। बहुत ही खूबसूरत है। जन्नत में आ गए। क्या शानदार जगह है यार। और ये मैं और भी नाइस। ये देखिए यार कितनी खूबसूरत जगह है। ये दोरू नदी है और यहाँ पर आप ये बोट देख रहे हैं, ये बोट में वाइन लेकर के आते थे, अंगूर लेकर के आते थे दोरू वैली से, और यहाँ पर आकर उनको स्टोर किया जाता था और उसे बनाया जाता था, लंबे टाइम तक स्टोर किया जाता था। और आपको यहाँ पे पुरानी से पुरानी वाइन मिल जाएगी। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये सैंडमान है और उधर एक कलई है, और भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये स्टोर करके रखी जाते हैं कैन। और पोर्टो की जो वाइन है वो बहुत फेमस है, मैंने ट्राई नहीं की है लेकिन मैंने सुना है कि वो थोड़ी स्वीट होती है और इटली की वाइन से या किसी और वाइन से अलग होती है। और पहले वो इसलिए स्वीट इसलिए है कि उसमें मिलाया जाता है ब्रैंडी। अब वो ब्रैंडी इसलिए मिलाते थे क्योंकि 16 सेंचुरी में जो वोयाज करने के लिए जाते थे तो वो लंबे टाइम तक चलती थी, तो ये रीज़न था। और अभी वो इतनी फेमस है वाइन, और लोग यहाँ पर फिश के साथ में या अपने खाने के साथ में मीट वगैरह काफ़ी खाते हैं तो उसके साथ में वाइन लेते हैं, रेड वाइन। और यहाँ से बैठकर वो क्लेरिगुश टावर भी दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो आपको हर जगह से दिखाई देगा, और वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि इससे ऊंची बिल्डिंग वो बना भी नहीं सकते हैं, अलाउ ही नहीं है। वो फिनिकुलर का शॉप, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रासा द रिबेरा। तो ये है प्रासा द रिबेरा, फेमस हिस्टोरिकल स्क्वायर ऑफ पोर्टो। वहां चलते हैं, वो क्यूब को देखते हैं। तो मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग पालाचियो द बोल्सा, मीन स्टोक एक्सचेंज पैलेस। न्यू क्लासिकल स्टाइल में बनाई गई है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। स्टोक एक्सचेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसका नाम रखा गया है।
तो मैं आ गई हूँ पोर्टो के उस पॉइंट पर जहाँ पर दोरू नदी अटलांटिक ओशन में जाकर के मिल जाती है, संगम हो जाता है, जिस तरह गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है और नर्मदा अरब सागर में मिल जाती है, उसी तरह दोरू नदी जो है स्पेन की पहाड़ियों से निकलते हुए पोर्टो से होती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर नदी बहुत ज़्यादा गहरी होगी इस पॉइंट पर। यहाँ पर पानी पीने के लिए कुछ इस तरह से टैप भी लगाए हुए हैं। बीच पे आके किसको प्यास लगेगी यार। मजा तो यहाँ आ रहा है। तो जी, आज का सफर इस खूबसूरत जगह पर खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।